पोहरी पंचायत चुनाव के फॉर्म खींचने की आखिरी तारीख के बाद अब पोहरी जनपद की 79 पंचायत में से अब 78 ग्राम पंचायत में पंच सरपंच के चुनाव होंगे। पोहरी जनपद की ग्राम आगुर्सी ग्राम पंचायत में सरपंच सहित 16 ग्राम पंचायत निर्विरोध चुने गए हैं। ग्राम आगुर्सी के सभी लोगों ने ग्राम के विकास के लिए सरपंच पंच को निर्विरोध चुनने का फैसला लिया गया। ग्राम पंचायत में रजनी धाकड़ को निर्विरोध सरपंच चुना गया है। वहीं किरण राजेश वर्मा, सरोज सोनू वर्मा, राजकुमारी नरेश वर्मा, सुशीला हरिलाल वर्मा, परमानंद उर्मिला धीरज, देव सिकस, रघुवीर धंती कंवरलाल, गायत्री प्रहलाद, वीरेंद्र रचना, सतीश रवि, प्रहलाद देवेंद्र, धनवंती धनीराम को निर्विरोध रूप से पंच चुना गया है। इसी दौरान सभी सरपंच एवं पंच को एसडीएम राजन बी नडिया एवं तहसीलदार प्रेमलाल पाल ने बधाई दी। ग्राम पंचायत के लोगों ने जागरूकता की वजह से ग्राम पंचायत में सरपंच सहित सभी पंच निर्विरोध चुने गए हैं। ग्रामवासियों ने महिला सरपंच को निर्विरोध बनाया है। सभी को बधाई। सभी के सहयोग से पंचायत में निर्विरोध चुनी गई सभी ग्रामवासियों का ध्यान बाद ग्राम के विकास के लिए कार्य करूंगी। मैम, आप सरपंच के निर्वाचन जो फॉर्म की आज आखिरी तारीख थी, कितने ग्राम पंचायतों में चुनाव होना और एक निर्विरोध पंचायत चुनेंगे बताएंगे? हमारी जनपद पंचायत में 79 ग्राम पंचायतों के ऊपर चुनाव होना था, जिसमें से हमारी एक पंचायत ग्राम आकुर्सी की निर्विरोध हुई है और शेष 78 पंचायतों में चुनाव होंगे। और ग्राम पंचायत आकुर्सी में सरपंच पद सहित जितने भी वार्ड थे हमारे 16, उनमें भी निर्विरोध हुए। ग्राम पंचायत आकुर्सी से आप निर्विरोध चुनी गई हैं, क्या आपकी पहली प्राथमिकता हो, आप क्या करेंगे? ये जो सर, आज जो सरपंच के फॉर्म का आखिरी दिन था वापिस लेने का, तो सुना गया कि एक पंचायत निर्विरोध चुनी गई है, आप बताएंगे आप कितने पंचायतों में चुनाव होंगे? पूरी जनपद के अंदर 79 सरपंचों के चुनाव किए जाने पंचायतों के अंदर, उसमें एक पंचायत ग्राम आकुर्सी है, उसके अंदर आपके सहयोग से ग्रामवासियों ने सहयोग दिखाया। उसके बाद 7 प्रत्याशी खड़े हुए थे, तो 6 लोगों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया। ऐसे एक ही वजह हुए रजनी धाकड़ निर्विरोध हो गई। मजबूती शासन की भी इसमें योजना आएगी कि अगर महिला सरपंच निर्विरोध हो जाती है तो उसको प्रस्तावित की जाएगी। तो जिले के लिए तो हम लोगों के बहुत खुशी की बात है कि निर्विरोध होने से चुनावी स्थिति नहीं बनेगी और गांव का विकास भी आराम से सबकी सहभागिता से हो सकता है।